ונשתם מלשני יחבו תומדים. ובשרקלי סדרי ויסלי אמרי וחלולותם מלשני יחבו תומדים. ובשרקלי סדרי ויסלי אמרי וחלולותם מלשני יחבו תומדים. الحمد لله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العزيز ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد مخرج الجود واللطاع والكرم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله तफसील आगे फिर मुफस्सरीन बयान करते हैं। वैसे
कुरान जो जिसका असल शारे है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद है, और कुरान की तफसीर वही सबसे अव्वल और आला है जो कुरान बज़बाने कुरान हो या कुरान बज़बाने मुस्तफा करीम। ये दो तफसीरें ऐसी हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। अल्लाह की शान अल्लाह के महबूब से पूछे और अल्लाह के महबूब की शान अल्लाह से पूछे। अल्लाह का पता ये एक अकल में आने वाली बात है जो मैं कह रहा हूँ, मैं वो इल्मी गुफ्तगु नहीं करता, सिर्फ समझ आने वाली बात। अल्लाह की जात को अकल इदराक नहीं कर सकती, उसको सिफात के जरिए पाया जाता है। सिफत के जरिए उसने कहा कि मेरी तलाश करो, दिन रात मेरी फिक्र करो, मेरी जात में फिक्र न करना, मेरी जात पे गौर न करना। जितना तुम जात में फिक्र करोगे उतना ही ज्यादा फितने फसाद में पड़ोगे। अगर जात में फिक्र करना है तो मेरे महबूब की जात में फिक्र करना। क्यों? मैंने कायनात बनाई लफ्ज़े कुन से, कायनात की हर चीज मैंने बना दी लफ्ज़े कुन से, लेकिन आदम को मैंने लफ्ज़े कुन से नहीं बनाया, अपने हाथ से बनाया, अपने हाथ से उसे बनाया, बना के फिर मलाइका को कहा कि इसको सजदा करो। क्यों? वो अल्लाह की तखलीक थी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मामूली सा परतो था आदम की सूरत में के सामने। असल आदम के अंदर वही असल थी जो हवल अव्वल थी, वो मौजूद थी। अब बंदे का पता नहीं चलता कि बंदा कितना करीब हो गया अल्लाह के। जो बहुत करीब होता है, अंबिया का जिक्र नहीं मैं कर रहा, अंबिया को जो मिलता है वह भी मिलता है, उनको किसी मशक्कत की जरूरत नहीं होती, वो अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी है उन्हें अताई है वह भी है, रब अता करता है, वो किसी तौसीफ तारीफ के मोहताज ही नहीं। बंदगाने खुदा में अंबिया के बाद शुहदा है और फिर सिद्दीकीन है। उम्मत के सदीकों का ये हाल है कि एक सदीक अकबर मिलता है तो अंबिया को नबी को अपने सहाबा की सूरत में हजारों की किदार मिले, और दूसरी तरफ मकामे सहाबा के साथ अहले बैत को देखें तो अली अल मुर्तजा शेर खुदा मिलते हैं तो सहाबा की एक लंबी लाइन उनके पीछे दाखिल इस्लाम होती है। अच्छा, उनके मकाम का कोई अंदाजा नहीं है। सदीक अकबर का मकाम सुभान अल्लाह, वही तो गार के सफर में साथ चले थे, और ये मैयत वाली है आयत उन्हीं के मौके पर उतरी थी कि ला तहज़न अल्लाह माना अल्लाह तेरे भी साथ है और मेरे भी साथ है। और जब सदीक अकबर रजी अल्लाह तआला ने ये फरमाया कि वो तेरे भी साथ है और मेरे भी साथ है, सदीक अकबर फरमाते हैं मेरे दिल में सकीना हो, सुकून तारी हो, मुझे खौफ नहीं रहा कि सामने घोड़े पे सवार दुश्मन खड़े। और फिर अल्लाह ने उसकी आंखों पे पर्दा भी डाल दिया, वो देख भी ना सकता। वो मैयत का हाल मौला कायनात हजरत अली मुश्किल कुशा की मैयत का ये हाल है कि मक्का फतह होता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे कंधों पे चढ़ जाओ
और ये सारे भक्तों, अपना अपना मकाम है। याद रखें, जो हिफ्ज़े मुरातब नहीं रखता वो अदब कायम नहीं रख सकता। जब हम अफरातो तफरीद का शिकार होते हैं, एक तरफ हद से बढ़ गए, दूसरी तरफ पीछे रह गए, मामला खराब। ये शरीयत की तलवार बहुत तेज है, इस दार पे चलना हर किसी के बस की बात नहीं। अव्वल तो इस मैदान में बरसर मजलस कहीं भी सहाबा कबार अहले बैत के मतलब जबान नहीं खोली है। खोले तो याद रखें, हर गोलेरा रंग बुए दीगर असर, वहां एक एक फूल उस बात का जो है वो मुनफरिद शान है। सैयदा अली अल मुर्तज़ा फरमाते हैं कि ये बहुत सारे और मेरे कंधों पे चढ़ जाओ। आप अर्ज करते हैं, हुजूर ये तो गुस्ताखी है, मैं आपके कंधों पे सो रहा, आप मेरे कंधों पे चढ़े। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है अली तू बारे नबूवत नहीं उठा सकता, लेकिन तेरा बारे वलायत मैं उठा लूंगा। कंधों पे उठाया तो मैंने ये सारे बुत उतारो। हजरत अली मुश्किल कुशा कहते हैं कि मैं ऐसे छड़ी से इशारा करता था बुत मिलेगा, और फिर मैंने जब सारे बुत उतारे नीचे उतरे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है अली कुछ और भी देखा। उनका हाँ हजूर देखा, क्या देखा? कि हजूर अगर मैं जरा सा हाथ पर आता तो अर्श को पकड़े। उनका मकाम, आप मुझे बताएं ये उनका मकाम है तो उस नबी आखिर ज़मा का मकाम क्या हो? ये सहाबा का दो मिसाल, अब एक आम बंदे का मकाम, आपका और मेरा। या अक्सर सवाल होता है कि रूह का इलाज भी होना चाहिए, बदन के मालिक मिलते हैं तो रूह का भी तो मिलना चाहिए। भाई रूह का मालिक भी वही है जो बदन का है। हमारी शरीयत में युअल्लिमुल किताबा वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम, वो किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है और पाक भी करता है। पाक करने का किससे तल्लुक है? जिस्म पाक नहीं करता है, बातन पाक। बातन पाक कैसे होता है? जब कोई अल्लाह का बंदा बातन की सैर करवा दे, नापाकी खत्म कर दे, तो फिर बारगाह मुस्तफ़ा के लिए वो कल्ब और रूह तैयार हो जाती है। या अय्यतुन नफ्स मुतमईना इरजई इला रब्बिक राज़ियतुन व मर्ज़िया फ़ादखुली फी इबादी वादखुली जन्नती। ये किसी नबी के लिए आयत नहीं है, ये आपके। मैं सिर्फ इसका मुख्तसर से तर्जमा आम फहम लफ्जों में कर देता हूँ, आपको बात समझ जाएगी कि आप हैं क्या। ये वजूद आम नहीं है, ये वजूद अल्लाह ने तखलीक के बाद अपने और महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक राबता और वास्ता रखा है। अल्लाह ने इशारों में ये समझा दिया है कि तुम्हारा काम है मेरे महबूब के दर पे पहुंचना, बस खत्म। आगे कोई मंजिल नहीं, ना तुमने कुछ करना है, आगे मैं जाऊं और मेरा महबूब जाए। है नफ्स मुतमईना, ये भी रूह की तरफ है और कलब की तरफ है, जिस्म की तरफ है, ईमान की तरफ। नफ्स की कुरान ने तीन अक्साम बयान की, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईना। नफ्स अम्मारा किसका है? इब्तदाई मंजिल, जब
ईमान की दौलत से बंदा माला माल होता है तो उससे पहले की हालत, ईमान लाया नफ्स अम्मारा का इलाज शुरू पहले दिन से शुरू, कलमा पढ़ा पहली चोट उसे लग गई, फअल्हमा फजूरहा वतक्वाहा। कुरान ने कहा कि ये जालिम भी है और जाहिल भी है। जालिम है नफ्स के लिए, जब तक नफ्स पे जुल्म न करेगा वो सीधा नहीं होगा। जाहिल है अपनी हस्ती में, बंदे को अपनी पहचान नहीं कि मैं कौन हूं और मेरा बंदे का रब के साथ क्या तल्लुक है। नफ्स अम्मारा से तरबियत पाके नफ्स लवामा में आया। नफ्स लवामा में ये है कि नफ्स अम्मारा में शैतान का, नफ्स लवामा में दाखिल हुआ तो शैतान के साथ फरिश्ता भी आया। खैर की कुव्वत के साथ साथ शर की कुव्वत भी मौजूद, लेकिन अब शर की कुव्वत पे खैर गालिब आने लगा। गालिब ये वो मकाम है जहां हम सब होते हैं, कभी जमीन पे लौट रहे हैं और कभी अंदर की बसीरत आसमान की खबरें दे रही है। ये नफ्से लवामा की, और नफ्से लवामा में औलियाए कराम कहते हैं कि जिंदगी बसर कर लेगा इसी ऊंच नीच में। अगर नफ्से मुतमैना पे पहुंचे तो वो आखिरी मकाम, इस मकाम पे रह के सजा भी मिलती रहे, खता भी होती रहे और जजा भी मिलती रहे। बंदा बंदा रहे। एक बड़ी कीमती हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी उन्होंने कहा कि ये हदीस मैंने छुपा के रखी थी मिसाल के उम्र का, आज मैं जाहिर कर रहा गुनाहगार बंदे खत्म हो जाए तो मैं उनके बाद नई उम्मत ले आऊं जो गुनाह करे और मैं उन्हें बख्शूं, वो खता करे और मैं उन्हें तौबा की तौफीक दूं और मैं माफ करूं। ये मकाम गुजरा तो फिर आगे कौन सा मकाम है? नफ्से मुतमैना की मंजिल में अंबियाए किराम हर वक्त रहते हैं, लेकिन बंदा मोमन नफ्से मुतमैना पे उस वक्त जाता है जब उसका आखिरी वक्त आता है। अब जब नफ्से मुतमैना मौत का वक्त आता है तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है फरिश्ते को कि जाओ अब इसको सदा दो, सदा भी मेरी आवाज में दो। क्यों? रूह और बदन का जिक्र हो रहा है। रूह नदाए रब्बानी पे आशिक है, ठीक है। रूह अल्लाह की असल का हिस्सा है जो रब ने इस वजूदे खाकी के अंदर जिसको नूर बना दिया। बंदा भी नूर है, बंदे का नूर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार और तजलियात का मामूली सा हिस्सा है। यह वक्त आया तो अल्लाह की तरफ से पैगाम मिल गया है, चैन पा जाने वाली रूह। आज वक्त आ गया कि तुझे चैन मिल गया, वापस चल लौट के अपने रब की तरफ, वापस चल। अब इसमें से एक बात ये निकली कि वो रूह आई भी उधर ही थी, भेजी भी अल्लाह ने थी, अमानत थी, अब अमानत वापस लेने का। राजियतम मर्जिया, वापस आ तो कैसे आए, तू मुझसे राजी और मैं तुझसे राजी। अल्लाह बंदे से राजी, बंदा अल्लाह से राजी। बंदे के वकार, बंदे की शान का ये हाल कि अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं तुझको कब्र के अंदर ही लाऊंगा राजी और मर्जिया करके।
तू मुझसे राजी होगा और मैं तुझसे राजी होगा तो तुझे कब्र क्या मिलेगी। अब आइए मकाम मुस्तफा, सिर्फ दो मिनट, मैं एक रास्ता आपको दिखाना था, दिखा दिया। मकाम मुस्तफा क्या है? अल्लाह और अल्लाह जानता है और बयान भी करता है, हम समझते नहीं। वरफाना लक जिक्र, एक ही बात, सिर्फ एक, वरफाना हमने आप लका आपकी पत्र जिक्र, वरफाना लका जिक्र बुलंद किया, रिफत अता फरमाई आपकी खातर आपके जिक्र। अब आपका जिक्र आपकी खातर बुलंद किया और आपके लिए बुलंद किया, कब से बुलंद किया, कितना बुलंद किया, कोई कमियत नहीं, कोई मकदार नहीं, किसी को वक्त का नहीं पता कि कब का बुलंद किया। अभी कायनात की तकलीफ भी नहीं होगी, मरहला कुन से भी पहले भी हमारे मस्तूर, जब सिर्फ और सिर्फ गुप अंधेरा था, कायनात की कोई चीज नहीं। हदीस मौजूद है कि कायनात, नबी से पूछा कि जब खलकत तकलीफ नहीं हुई तो उस वक्त रब कहा था, आपने फरमाया रब हमा के पर्दों में मस्तूर था, भी हमा इन मस्तूर। पूछा कि माल हमा, भी हमा क्या है, आपने फरमाया नूर और जुल्मात के बेशुमार पर्दे जहां तक किसी की रसाई नहीं, उससे भी पहले रिफत मौजूद थी नबी के जिक्र। कैसे बनाया उसको जाता है जिसका नक्शा पहले मौजूद हो। मेहमान आता है, मकान तहवीर करता है, वो पहले सोच रखता है कि यहाँ मैंने कमरा बनाना है, बरामदा बनाना है। अल्लाह तकलीक से पहले सारी तकलीक का बशमूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के इल्म में, और यही दस्तूर और कायदा कानून है अल्लाह की तौहीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद, आपकी नात, आपका बयान तो रब ने सबसे पहले कर दिया था, हमारी कौन सी मिजाज, हम क्या करेंगे। लेकर अल्लाह ने अलखम से लेकर वन्नास तक पूरा पूरा कुरान पाक इस तरतीब से उतारा है, इस तरतील से उतारा है कि आप कुरान की कोई आयत पकड़ लें, अगर आप दिल से चाहते हैं तो उस आयत में से सबसे पहले नात बरामद हो। अलहम से लेकर वन्नास, अगर आपकी रूह, आपकी मोहब्बत, और ये याद रखें ईमान की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत पर, ये मोहब्बत ऐसी चीज है जो अल्लाह को चाहत हुई तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक शक्ल पैदा की, ये सूरत मेरी पसंदीदा है, ये मेरी भी मोहब्बत है, चाहत है, और सारी कायनात की भी यही चाहत है, मोहब्बत पे बुनियाद है। और जब मोहब्बत पे बुनियाद है तो फिर मोहब्बत से सोचना पड़ेगा नबी के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब तक मोहब्बत इश्क के दर्जे तक न पहुंचेगी उस वक्त सच समझ नहीं आती, और जब मोहब्बत उस मकाम पे पहुंच जाती है तो फिर महबूब को देखा जाता है दलील की जरूरत नहीं। जो ईमान लाते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, उन्हें ऐप भी हुनर मालूम होते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कायनात जिनके लिए, मुझे तो ये भी खौफ होता है कि हम कैसे ये गुस्ताखी कर देते हैं,
कि उनका ये दिन नहीं मिलाद का, ये महीना ही दिन नहीं, ये लबाद मुझे बताया दिन बने किसके लिए, सारे दिन ही तो उनके लिए बने हैं, सारे माह उनके लिए बने हैं, जिन्नों इंस उनके लिए बने हैं, फरिश्ते उनके लिए बने हैं, फरिश्ते भी उनके लिए बने हैं। महराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं अश्वे सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। पहला सफर अगर बयान करें तो 2-3 घंटे लगते हैं मस्जिद अक्सा से। जिब्रील ने अर्ज की, हजूर ये मेरा घर है, ये मेरा घर है सिदरतुल मुंतहा, ये मेरा आखिरी मकाम है, मेरे से आगे नहीं जा सकता। तो अगर मैं तुझे लेके जाना चाहूंगा, अर्ज की के हजूर मेरी मिजाल ले, मैं अगर एक जर्रा बराबर भी आगे बढ़ू तो मेरे पर जल जाए, मैं आगे नहीं जा सकता। आपने फरमा अच्छा यार तो कोशिश तो करें। अल्लामा आलूसी ने एक बात लिखी, कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील का हाथ पकड़ा, आ मैं तुझे ले जाता हूं, हाथ पकड़ा तो जिब्रील सिमट के बिचड़िया के बराबर हो कांपने लगे। आपने हाथ छोड़ दिया कि मेरी मजाल नहीं आ रही, अच्छा तेरी हाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जी जिब्रील ने कुरान सिखाया, जिब्रील ले गए, भाई जिब्रील तो नौकर है, नौकर की क्या मजाल, मालिक को रास्ता दिखाए। जिब्रील लेके नहीं गए, जिब्रील पे उन्होंने एहसान किया, जिब्रील हजार आठ साल से इंतजार में था कि मुझे ये शर्फ मिले, मैं आपका गुलाम बन के आपकी मुहार पकड़ के चलूं। आप सुनिए क्या कहते हैं, जिब्रील कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिदरतुल मुंतहा मेरा मुकाम है, यहाँ मैं रहता हूँ, आप मुझ पे ये एहसान फरमाइए, करम नवाजी फरमाइए, यहाँ 2 नफल पढ़ दी जाए ताकि मेरी मस्कीन की झोपड़ी को रंग लग जाए, मेरे घर को शान मिल जाए। आपने 2 नफल चलते हुए फिर जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह की बारगाह में मेरी तरफ से सलाम अर्ज की और मेरे लिए इजाजत मरहमत फरमाइए कि पुल सिरात पे जब आपकी उम्मत से चैन हो पुल से गुजरने के लिए तो मुझे अल्लाह इजाजत दे मैं अपने पर बिछा दूं और आपकी उम्मत उसमें से गुजर गई। किसको एहसान है? मूसा अलैहि सलाम पे क्या एहसान है? मूसा अलैहि सलाम पे एहसान ये है कि वो नमाज का बहाना था, 50 फर्ज हुई, 10 कम हुई, 10 कम हुई, 10 कम। नहीं, मूसा को ये रश्क था कि दीदार की लज्जत तो वो ले गए, मुझे सिर्फ गुफ्तार की लज्जत मिली, बात करने की मिली। तो रब ने फरमाया अच्छा जिसने मुझे देखना है ना तू उसको देख ले, अर्श पर वो इस इंतजार पे बैठे मूसा अलैहि सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए जाके नमाज, नमाजों का तोहफा कैसे मिला ये भी बात सुन, नमाज की सबसे निचोड़ इंतहा क्या है? सजदा। सजदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी मेराज की रात किया वो सजदा रब को इतना पसंद आया कि नमाज आपने उम्मत के लिए दे दी। इसीलिए सलातो मेराजुल मोमिनीन है, ये मोमिनों की मेराज है, सजदे में ही सब कुछ मिलता है। नबी वापस आए तो मूसा अलैहि सलाम ने जब देखा तो चेहरे मुबारक उनका असल काम हो गया।
अब उन्होंने एक और बार, हालांकि अल्लाह की रहमत वाकई पहने ढूंढती है, उन्होंने बहाना ढूंढा कि इनको फिर वापस भेज दिया। हालांकि अगर नबी करीम चाहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम 50 नमाजें भी दिल में पढ़ते, 5 भी तो उनकी तौफीक से पढ़ते हैं, तो क्या 50 की तौफीक नहीं वो दे सकते। वो वापस फिर आए, मूसा ने फिर दिया ज़ियारत, दीदार किया, फिर वहां आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे याद, तुमने भी बहुत कुछ देख लिया, देखने में और कलाम करने में बड़ी लगती। मूसा अलैहिस्सलाम ने जो देखा ताब न ला सके, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखा आंख भी नहीं चपकी। फर्क है ये नहीं, मूसा कोई दूर में जाते हैं, जाके जाओ हम कलामी का शर्फ होता है। अल्लाह ने कहा कि तू मुझे नहीं देख सकता, उस दरख्त पे अपने अनवार और तजल्लियात की रोशनी डाली तो जल के राख होगा। अगर अल्लाह दरख्त पे अपने अनवार डाल सकता है तो मूसा पे भी डाल सकता था, लेकिन वो हिस्सा था नबी अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनका हिस्सा था। मूसा को जो मिला कलाम होने के बाद, मूसा का ये हाल थी कि उनके चेहरे की तरफ देखा नहीं जा सकता, तो फिर वो अपने चेहरे पे नकाब रखते हैं। वो जलवा जो है कलाम का जलवा देखा नहीं जा सकता, तो उनके जमाल का जलवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको तो किसी ने देखा ही नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं बारगाह रिसाल, यार यारों की बातें राज वाली है, उस राज में कोई नहीं शामिल। मैंने जैसे अर्ज की कि उनका अपना मकाम, सैयदना उमर फारूक का अपना, उस्मान गनी का अपना, अली मुर्तजा का अपना, जिसकी तरफ रुख करेंगे अजीब ही बातें मिलेंगी। बैठे तो नबी ने फरमाया सदीक अकबर, तूने मेरा असली चेहरा नहीं देखा, मेरा असल चेहरा मेरा रब जानता है और रब का असल चेहरा मैं जानता हूं, ये मकामात हैं इंसानों के, सहाबा के, अंबिया के, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा ये है। अच्छा सवाल होता है कि नबी के जमाने में, सहाबा के, ताबीन के जमाने में मिलाद नहीं होता, अब क्यों होता है? उसकी वजह भाई अल्लाह ने फरमा दिया वरफान है लग जिक्र, आपका जिक्र बुलंद से बुलंद तर होगा, आज भी बुलंद। हदीस की शरह लिखी जाती रही, कुरान की तफसीर लिखी जाती, वो तो आप ही लिखी जाती है, आप भी अल्लाह के ऐसे ऐसे बंदे हैं। लेकिन एक बात है, इल्म की दौलत के बगैर इरफान नहीं मिलता, आरफ नहीं होता, वली नहीं होता जब तक इल्म ना हो। इल्म इशारा करता है कि इस रास्ते को जाना है, फिर रास्ता इंतखाब करता है चलने वाला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का इदराक नामुमकिन। आखिरी बात करते हैं, कुछ जिक्र हम करते हैं अल्लाह की तरफ से फर्ज है, लेकिन अल्लाह ने अपने ऊपर एक ही जिक्र फर्ज किया, इन अल्लाह मलाइकतुहु यसल्लू अलैहि। नमाज हम पे फर्ज है, नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज फर्ज है लेकिन दरूद के बगैर मुकम्मल नहीं। लेकिन दरूद अपनी जगह मुकम्मल है, वो नमाज के बगैर भी होता है, होता है क्यों? सलात के लिए वक्त है, दरूद पाक के लिए कोई वक्त नहीं। अल्लाह ने अपने मलाका से और बंदों से ये पाबंदी उठा दी, वक्त की कैद खत्म कर दी। मोहब्बत की बात,
जब तुम्हारा दिल यार के लिए तड़पे तो दरूद पढ़ो।